A very warm good morning and assalamu alaikum to all my loving, charming, energetic and wonderful students of class 4. Welcome for the first class of standard 4. Student, I heartily welcome you. मैं सभी को वेलकम कर रही हूँ आपके न्यू सेक्शन के लिए, नए साल के लिए. ओके स्टूडेंट, एक छोटी सी विश है जो मैं आपके लिए देना चाहती हूँ. विशिंग द हैप्पीएस्ट ऑफ द न्यू ईयर ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ द वर्ल्ड. आप दुनिया के सबसे बेस्ट स्टूडेंट हो स्टूडेंट, है ना. घर से पोस्ट एग्जाम में आ गए, कैसा फील हो रहा है, कैसा फील हो रहा है. मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है आपसे वापस मिलकर, है ना. Even though may your days be filled with joy and peace. आपको पूरा साल माशाल्लाह बहुत अच्छा रहे, आप बहुत हैप्पी रहे, आप बहुत हेल्दी रहे और बहुत खुश रहे. स्टूडेंट, लास्ट ईयर जैसे हमने थर्ड स्टैंडर्ड में मस्ती में पढ़ा, फन लविंग वे में पढ़ा, बहुत सारी चीज़ों को हमने प्रैक्टिकल आपको दिखाई, मैंने लाइव चीज, वैसे ही हम फोर्थ स्टैंडर्ड में भी पढ़ेंगे इंशाल्लाह. मैं तो यही चाहती हूँ कि हमारे स्कूल जल्दी से रीओपन हो जाए, हम फेस टू फेस आपके स्कूल में बैठकर पढ़ें, है ना, तो और ज़्यादा मज़ा आएगा. ओके स्टूडेंट, सो स्टूडेंट, आज का ये जो वीडियो है, दिस वीडियो इज जस्ट फॉर द इंट्रोडक्शन ऑफ द सब्जेक्ट एज वेल एज ऑफ द टीचर. सो एज यू ऑल नो दैट माय नेम इज मिस रेशमा, मेरा नाम रेशमा है और आज से मैं आपको EBS सब्जेक्ट पढ़ाने वाली हूँ. EBS सब्जेक्ट पढ़ाने से पहले कुछ इंट्रोडक्शन मैं आपको देना चाहती हूँ सब्जेक्ट के रिलेटेड, बुक के रिलेटेड, और इस साल हम किस तरीके से पढ़ेंगे उसके रिलेटेड एक छोटी सी बात आपसे मैं शेयर करना चाहूँगी. सबसे पहले आप फर्स्ट स्टैंडर्ड से EBS सब्जेक्ट के बारे में पढ़ रहे हो और आप मुझसे काफ़ी 2-3 साल से टच में भी हो, राइट. तो मैंने 2-3 साल पहले से आपको ये बताया है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ EBS. EBS का क्या फुल फॉर्म है आप सभी को पता है, एनवायरमेंटल स्टडी. व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ EBS? एनवायरमेंटल स्टडी. व्हाट इज एनवायरमेंट? मैंने थर्ड स्टैंडर्ड में भी पढ़ाया था स्टूडेंट, आपको याद आया एनवायरमेंट क्या है. व्हाट इज एनवायरमेंट? एनवायरमेंट किसको बोलते हैं? द सराउंडिंग एरिया, हमारे चारों तरफ जितनी भी चीज़ें हैं, इस दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं वो सभी को एनवायरमेंट बोला जाता है. वो एक हिस्सा है, एक दूसरे के साथ सभी चीज़ें जुड़ी हुई है, वो सभी चीज़ों को बोला जाता है एनवायरमेंट. क्या इंक्लूड है एनवायरमेंट में, कौन कौन सी चीज़ें आती हैं? विच थिंग्स आर कमिंग इन एनवायरमेंट? ह्यूमन बींग्स यानी इंसान, एनिमल्स, बर्ड्स, प्लांट्स, ट्री, माउंटेन, रिवर्स, ओशंस, लेक, पॉन्ड. थर्ड स्टैंडर्ड में ये सारी चीज़ों के बारे में आपको मैंने बताया था, समुंदर, नदियाँ, लेक यानी तालाब, पॉन्ड, माउंटेन्स, है ना. ये सारी चीज़ें क्या हैं? एनवायरमेंट का हिस्सा है. और सिर्फ लिविंग थिंग्स एनवायरमेंट का हिस्सा है? नो, लिविंग थिंग्स एज वेल एज नॉन लिविंग थिंग्स, ये दोनों चीज किसका हिस्सा है? हमारा एनवायरमेंट का हिस्सा है ना, दुनिया का हिस्सा है. जो चीज जिंदा भी है, जो चीज नॉन लिविंग यानी जो हिल नहीं सकती है, टेबल है, चेयर्स है, कार्स है, फैंस है, ये सारी चीजें भी किसका हिस्सा है? हमारे डेली लाइफ का हिस्सा है, यानी एनवायरमेंट का एक हिस्सा है. तो ये था हमारा इंट्रोडक्शन रिलेटेड टू एनवायरमेंट सब्जेक्ट. व्हाट इज एनवायरमेंट? द सराउंडिंग एरिया इज नोन एज द एनवायरमेंट. नाउ आई एम गोइंग टू गिव यू द इंट्रोडक्शन ऑफ योर टेक्स्ट बुक. अब हम टेक्स्ट बुक का इंट्रोडक्शन देंगे. नाउ दिस इज द टेक्स्ट बुक ऑफ योर फोर्थ स्टैंडर्ड, है ना. ये आपके फोर्थ स्टैंडर्ड की टेक्स्ट बुक का कवर पेज है. देखो आपको कवर पेज कैसा लगा आपकी टेक्स्ट बुक का? आप क्या क्या देख रहे हो आपकी कवर पेज के टेक्स्ट बुक पर? बहुत सारे पिक्चर्स हैं ना आपकी टेक्स्ट बुक पर, राइट. अब आप टेंशन मत लेना बुक्स की साइज को देखकर, है ना. आपने फर्स्ट स्टैंडर्ड में छोटी सी बुक पढ़ी, सेकेंड में भी एकदम छोटी,
बारे में पढ़ेंगे, कपड़े कैसे बनते हैं हम उसके बारे में पढ़ेंगे, राइट। फिर वाटर कैसे पॉल्यूटेड होता है हम उसके बारे में भी पढ़ेंगे, हम हनी बीज के बारे में भी पढ़ेंगे, हम फार्मिंग के बारे में भी पढ़ेंगे यानी खेती के बारे में भी पढ़ेंगे। तो बहुत प्यारे प्यारे चैप्टर्स हम फोर्थ स्टैंडर्ड में पढ़ने वाले हैं। तो ये आपके फोर्थ स्टैंडर्ड का कवर पेज है, राइट। अब आपको तो पता है मैं हर वीडियो में बोलती हूँ कि जब भी आप PDF का वीडियो देखो आपको क्या लेकर बैठना है, आपकी टेक्स्ट बुक आपके पास होना जरूरी है। जब भी EBS का वीडियो देखो कौन सी चीज आपको लेकर बैठनी है आपके पास, 3 things, योर टेक्स्ट बुक, पेंसिल एंड रबर। क्यों? क्योंकि जब भी मैं आपको वीडियो या चाहे चैप्टर एक्सप्लेन करूंगी, मुझे लगा कि ये लाइन इम्पॉर्टेंट है तो मैं आपको बोलूंगी इसको अंडरलाइन करो, अगर कोई डिफिकल्ट ऐसा कोई वर्ड है तो भी मैं आपको बोलूंगी इसको अंडरलाइन करो, ठीक है। तो अंडरलाइन करने के लिए आपको क्या यूज करना है, ओनली एंड ओनली पेंसिल, नो पेन, टेक्स्ट बुक में कोई भी पेन यूज नहीं करें। नाउ ओपन योर फर्स्ट पेज ऑफ योर टेक्स्ट बुक, आपकी टेक्स्ट बुक का फर्स्ट पेज ओपन करें। कलरफुल है ना, इंटरेस्टिंग है ना, फर्स्ट पेज देखो कितने सारे लोग बैठे हैं फर्स्ट पेज पे, है ना। अब फर्स्ट पेज पे यू आर गोइंग टू राइट योर होल नेम, आप यहाँ पूरा आपका नाम लिखने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ द पेंसिल। नाउ गो टू द कंटेंट्स, कंटेंट्स यानी चैप्टर्स, जहां सारे चैप्टर्स लिखे ना उस पेज पे आ जाओ, ये बात जहां कंटेंट्स लिखा है। मैं जूम करके दिखा रही हूँ जिससे आपको इजीली वो आपको दिख जाए। देखो आपको कंटेंट्स दिख रहे हैं, कैन यू सी द कंटेंट्स, यस और नो, यस और नो, चैप्टर्स। इस बार हमारे टोटल 27 चैप्टर्स हैं, कितने चैप्टर्स हैं, टोटल 27 चैप्टर्स हैं। अब हमारा जो फर्स्ट चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में वो है गोइंग टू स्कूल। इस साल पॉसिबल लग रहा है इंशाल्लाह, है ना। आप स्कूल को मिस कर रहे हो ना, इवन हम भी आपको बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं, वी आर मिसिंग योर लॉट स्टूडेंट, बहुत याद आ रही है आपकी, ऐसा लग रहा है फेस टू फेस हो तो मजा आ जाएगा पढ़ाई का हमारा, है ना। कन्वर्जेशन एक दूसरे से क्वेश्चन पूछना, आंसर देना, है ना, मस्ती करना, है ना, तो कुछ अलग ही मजा है स्कूल की। तो फर्स्ट स्टैंडर्ड में आपका जो सबसे फर्स्ट चैप्टर है वो स्कूल के बारे में, गोइंग टू स्कूल। आप सब जब स्कूल आते हो ना तो किसमें आते हो, कोई ऑटो रिक्शा में आता है, तो कोई साइकिल लेकर आता है, या तो कोई कार में आता है, कोई स्कूटर पर आता है, कोई स्कूटी पर आता है, या तो कोई लोग वॉकिंग करके आते हैं। यानी स्कूल आने तक सभी लोग अलग अलग चीजों का इस्तेमाल करके स्कूल तक पहुंचते हैं, है ना। ऐसा तो नहीं है कि सभी बच्चे कंपलसरी ऑटो रिक्शा में ही आते हैं, या तो सभी चलकर आते हैं, या तो सभी कार में आते हैं, या तो बाइक पर आते हैं, नहीं। जिसके पास जैसी फैसिलिटी होती है वो लोग स्कूल उस फैसिलिटीज में आते हैं। अब गोइंग टू स्कूल में हम क्या पढ़ने वाले हैं, ये चैप्टर बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, आपको मजा आएगा। जो ये चैप्टर आपको पढ़ाऊंगी और कुछ लाइव पिक्चर्स भी दिखाऊंगी तो आपको बहुत ज्यादा मजा आएगा। अब इस चैप्टर में हम ये पढ़ने वाले हैं कि अलग अलग जगहों पर बच्चे किस तरीके से स्कूल जाते हैं। हम तो भरूच सिटी में रहते हैं, यहाँ कोई माउंटेन्स नहीं है, है ना, फ्लैट एरिया है, सीधे रोड है, तो हम गाड़ी चलाकर, स्कूटर चलाकर, साइकिल चलाकर या अच्छे से चलकर हम स्कूल तक पहुंच जाते हैं। बट जो बच्चे हिली एरिया में रहते हैं, माउंटेन्स पे रहते हैं, पहाड़ों पर रहते हैं, राइट, या तो कुछ बच्चे ऐसी जगहों पर रहते हैं कि वहां पूरे साल बारिश गिरती रहती है, पानी जमा रह जाता है, या तो कभी कभी कुछ बच्चे ऐसे रहते हैं कि वो लोग एक पहाड़ पर रहते हैं और स्कूल दूसरे पहाड़ पर वहां जाने के लिए रास्ता नहीं है। तो ऐसे बच्चे किस तरीके से स्कूल जाते हैं हम इस चैप्टर में वो पढ़ने वाले हैं, अलग अलग रास्तों के बारे में पढ़ेंगे कि बच्चे किस तरीके से स्कूल जाने
उठाते हैं। क्यों उठाते हैं? क्योंकि उनको पढ़ना है, पढ़कर कुछ बनना है, इसलिए वो लोग कहाँ जाते हैं? स्कूल जाते हैं। स्टूडेंट्स, आपके पेरेंट्स भी बहुत मेहनत करते हैं आपके लिए। आप ये देख सकते हैं लास्ट ईयर लॉकडाउन में कितनी मेहनत की है। अगर किसी पेरेंट्स के पास स्मार्टफोन नहीं था, फिर भी उन्होंने खरीदा किसके लिए? आपके लिए, क्योंकि आपकी पढ़ाई खराब ना हो, आप स्कूल के साथ जुड़े रहे, राइट? तो आपका क्या ड्यूटी बनता है स्टूडेंट? एटलीस्ट जो वीडियो टीचर्स अपलोड करती है ग्रुप में, वो हार्डली 10 या 15 मिनट का वीडियो होता है। आप उस 15 मिनट को अच्छे से देखें वीडियो में, टीचर ने क्या समझाया है वो 15 मिनट समझो। 24 आवर्स में से आप सिर्फ हाफ आवर, 1 आवर अपनी स्टडीज के लिए तो निकाल ही सकते हो, है ना? और आपको ये भी पता है मैं हर एक वीडियो में एक क्वेश्चन तो पूछती ही हूँ। वीडियो में स्टार्टिंग में पूछती हूँ, या तो वीडियो के मिडल में पूछूंगी, या तो वीडियो एंड होने के टाइम पर पूछूंगी, पर मैं एक क्वेश्चन हर रोज पूछूंगी। और जैसे आपको पता है लास्ट ईयर में सभी बच्चों को अप्रिशिएट करती थी, क्लैप करती थी उनके लिए। क्यों? क्योंकि वो लोग मुझे हमेशा आंसर्स देते थे। आप जब आंसर्स देते हो मुझे बहुत खुशी होती है। मुझे ऐसा लगता है कि चलो मैं जो पढ़ा रही हूँ मेरे बच्चों को समझ में आ रहा है, राइट? तो मैंने आज एक क्वेश्चन पूछा। क्या क्वेश्चन पूछा? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ईबीएस, है ना? मैंने ये क्वेश्चन पूछा, राइट? तो आपको इसका आंसर आपको मुझे कहाँ लिखकर देना है? कमेंट बॉक्स में। आज ये वीडियो में सिर्फ हमने इंट्रोडक्शन लिया है ईबीएस सब्जेक्ट का, हमारी टेक्स्ट बुक का, राइट? नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करेंगे। मैं आपको पढ़ाऊंगी, हम लाइव ही जाएंगे, मैं आपको यहाँ लाइव आकर ही पढ़ाऊंगी, तो आप ज़्यादा अच्छे से उसको समझ पाओगे, ठीक है? गॉट इट? अगर आपको कोई भी क्वेरीज हो, कोई भी क्वेश्चन हो जो समझ में नहीं आया है, तो नॉट टू वरी, आप अपना नाम लिखिए कमेंट बॉक्स में। स्टूडेंट्स, आपका नाम लिखना जरूरी है जिससे मुझे पता चला है कि ये क्वेश्चन कौन से बच्चे ने पूछा है। आप अपना नाम लिखिए। अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आया है वीडियो में, आप उसको नीचे अच्छे से प्रॉपर मैनर में लिखिए कि मैडम मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आया। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट वीडियो में वो चीज़ आपको वापस से ज़रूर समझाऊंगी, यानी आपका प्रॉब्लम मैं वहाँ पर सॉर्ट आउट करूँगी, ठीक है? ये साल भी हम बहुत अच्छे से निकालेंगे। मैं उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह सारी चीज़ों को आसान करे और आप जल्दी से वापस से स्कूल आ जाए, जिससे हम बहुत अच्छे से हमारी जो ईयर है उसको हम खत्म करें, अच्छे से उसको चलाएं। समर्स आ रहा है बेटा, समर स्टार्ट हो गया है, बहुत ज़्यादा गर्मी है। आपसे रिक्वेस्ट है, कोरोना वायरस वापस से बहुत फैल रहा है, मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है आप सबसे, प्लीज़ आप बाहर मत जाइए, धूप में मत खेलें। अगर धूप में खेलने जाओगे तो आपको डिहाइड्रेट हो जाएगा, डिहाइड्रेट यानी पानी की कमी हो जाएगी बॉडी में, जो आपके लिए अभी अच्छा नहीं है। जितना हो सके उतना पॉट का यानी मटके का पानी पीते रहिए, थोड़े थोड़े आवर्स के बीच में, या तो हाफ हाफ आवर्स, या तो एक एक घंटे में एक एटलीस्ट 1.5 या तो हाफ ग्लास को पानी पिए, ठीक है? आपके आपके सेल्फ को डिहाइड्रेट से बचाने के लिए आप अपना टेक केयर करें। आप कहीं पर जा रहे हो, किसी रिलेटिव्स के घर जा रहे हो, या शॉपिंग करने के लिए बाहर जा रहे हो, अपना सैनिटाइजर और अपना मास्क अपने साथ ज़रूर लेके जाइए। अगर आप हेल्दी होंगे तो वर्ल्ड हेल्दी होगा, है ना? आपको आपका ध्यान खुद ही रखना है, ठीक है? खुद ही प्रिकॉशंस लेना है, ओके स्टूडेंट? तो आप, आई होप आपको समझ में आ गया होगा एनवायरनमेंट क्या है, द सराउंडिंग एरिया इज नोन एज एनवायरनमेंट। हम फर्स्ट चैप्टर क्या पढ़ने वाले हैं, आज का आपका एक होमवर्क है। कल मैं आपको ये चैप्टर एक्सप्लेन करने वाली हूँ, कल के वीडियो में आपको ये चैप्टर में एक्सप्लेन करने वाली हूँ। एक्सप्लेन करने से पहले आज का आपका होमवर्क है, इस चैप्टर को रीड करना है। आपको क्या करना है? आज घर पर बैठकर ये चैप्टर को रीड करना है, ठीक है? मैं कल रीडिंग भी करवाऊँगी, अच्छे से एक्सप्लेन भी करूँगी, और हम इंशाल्लाह कल वापस से मिलेंगे ऑनलाइन क्लासेस में, लाइव होंगे। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, अल्लाह हाफिज़, बाय।